अजय राय जी ने एक बात बहुत सही कही है कि अमेठी के कार्यकर्ता, नेता, जनमानस सभी लोग चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें। ये अंतिम फैसला तो उनको स्वयं करना है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता की मांग है और जनता की मांग बाकी जगह से भी है, बाकी प्रदेशों से भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि अमेठी से वो लड़ते आए हैं तो वहाँ के लोग अब अपने आप को ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं। जो उनको अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने सोचा था, वो पूरा नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आएँ और उनका प्रतिनिधित्व करें, लोकसभा में उनकी आवाज़ उठे। सर, कांग्रेस नेता भक्त चरण दास कहते हैं कि राहुल गांधी ने क्रांति की शुरुआत की है, ऐसे बेदाग चरित्र वाले की जीत होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, भले ही राहुल गांधी मणिपुर से लड़े लेकिन जीत उन्हीं की होगी। ठीक तो कहा है भक्त चरण दास जी ने राहुल गांधी जी के बारे में, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका राजनीति करने का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और उस दौरान में 4000 किलोमीटर के फासले में करोड़ों करोड़ लोगों से मिले और देश के आपस में सद्भाव और प्यार मोहब्बत का संदेश उन्होंने दिया, देश को जोड़ने का संदेश उन्होंने दिया, और आज वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की राजनीति करके राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आए हैं और आज पूरे देश में, चाहे वो मणिपुर हो चाहे जहाँ भी हो, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो सब जगह से जीत के आएंगे। उनकी बात ही अलग है राजनीति में आजकल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।